गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली हमारी खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज जा रहे हैं हम घर। नाश्ता वगैरह सब हमने कर लिया था, उसको हमने शूट नहीं करा क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी में निकलना पड़ रहा है। तो हम जा रहे हैं आज फाइनली देहरादून अपने घर, और यहाँ का जो हमारा रास्ते का ट्रैवल होगा गाइज, वो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जो हमारा आने वाला ट्रैवल व्लॉग था वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, पूरा व्लॉग मुझसे डिलीट हो गया था गाइज। तो चलिए इसको हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ पूरा हमारा जितना भी ये ट्रैवल व्लॉग बनता ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए निकलते हैं फटाफट से और बस रास्ते में जो खाते हैं पीते हैं कैसे जाते हैं सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रही वीडियो हमारे साथ, तो चलिए हम निकलते हैं फटाफट से। तो जी गाइज देखिए, फाइनली हमारा ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम निकल चुके हैं। अभी हम दिल्ली में ही दिल्ली से निकल रहे हैं। दिल्ली से निकलने में इतना टाइम लग जाता है ना गाइज, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह रेड लाइट ये वो मिनट पर होती है, तो इसलिए इतना टाइम लग जाता है। तो चलिए चलते हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइज बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, उससे जो नोटिफिकेशन वीडियो का मौका सबसे पहले मिलेगा। तो हमने हुड के लिए खरीदा और जो है वो खेलती ही गई। दिखाओ क्या खरीदा आपने, पीछे होकर दिखाओ पीछे। अरे बा, तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मेरठ और अभी बज रहे हैं 2:30, टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं गाइज। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ खा लिया जाए, तो हमने लिया है मेरठ का मशहूर हलीम। तो गाइज कोरमा वोरमा खाते खाते सच में मन जो है हमारा भर गया था, तो हमने ये हलीम लिया है। हम ट्राई करते हैं अपना हलीम, जबरदस्त था, टेस्टी सा, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं अपना खाना और खाना खा करके फिर मिलते हैं आपसे, है ना हूर। और हूर भी सोकर उठ गई है, इससे जो है अच्छी सी नींद ले ली है आधे पौन घंटे की और उठ चुकी है। हम हूर को भी खिलाते हैं खाना और हम भी खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं खाना खा करके। तो गाइस फाइनली खा लिया है हमने खाना, अब हम चलते हैं आगे, जल्दी से पहुंचते हैं घर क्योंकि घर की हालत भी जब बंद करके जाओ तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे, सफर में बने रहिए हमारे साथ। आगे हम जो भी करते हैं, कहाँ रुकते हैं सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली देहरादून में हमने एंट्री कर ली है, हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ये देखिए हमने देहरादून में एंट्री करी, देहरादून आगे में सुकून से मिलता है, तो आप कहीं पर भी चले जाओ पर अपना घर अपना होता है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम घर पहुंच गए हैं। और घर को जो है हम थोड़ा सेट वगैरह करते हैं, अपना भी थोड़ा सा चेंज वगैरह करते हैं अपना, और मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने अपनी हेल्पर को जो बुला लिया है, उन्होंने सामान वगैरह सब ऊपर रख दिया है, अनपैकिंग स्टार्ट करते हैं, मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत काम है गाइस। खाना हम साथ में लेकर आए हैं रास्ते में से, तो चलिए फटाफट से करते हैं अपना सारा काम, फिर मिलते हैं आपसे। दुआओं में याद रखना गाइज। ये चीज किसने दिलाई है हूर आपको, चाचू ने दिलाई ये मेरे क्रीम बिस्किट, ये दो चीज है और ये दोनों लस्सी चॉकलेट्स, वाओ। अरे वाह, आपके तो मजे आ गए। चाचू को वीडियो में बोलो थैंक यू चाचू। ठीक है। तो गाइस ये हूर के चाचू ने हूर को दिलाया है जब हूर दिल्ली से निकल रही थी जी, इतने सारी ये चीज है हूर। हाँ, ये क्रीम बिस्किट है, चॉकलेट है, ये लस्सी है। तो गाइस जब हम दिल्ली में थे तो हमारा आया हुआ है ये एक पार्सल, तो चलिए हम इसी वीडियो में इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर से कि जैसे हमने मंगाया था ये वैसा ही है या नहीं। तो चलिए फटाफट से खोलते हैं इसको, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ आई है। तो चलिए गाइज हम इसको करते हैं अनपैकिंग, चलिए जल्दी से। ये देखिए हम इसमें क्या निकला है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए
ये मैंने मंगाया था बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट, तो हम देखते हैं जैसे ये फोटो में था एक्चुअल में ऐसा है या नहीं। जैसे कि आपको पता है ना गाइस, जब सर्दी आ रही है सर्दियों में कपड़े तो चाहिए ही होते हैं। वाओ अच्छा है, बहुत प्यारा है। चलिए और डबल वाला है गाइस ये, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका टॉप और ये है इसका बॉटम। गाइस मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, आप बताना आपको कैसा लगा। मैं जब इसको वेयर करूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी कि पहनने पर कैसा लगता है। आई होप कि ये अच्छा ही लगेगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत बहुत प्यारी वूल है गाइस, बहुत प्यारी वूलन है, सॉफ्ट है बिल्कुल, बहुत प्यारी। चलिए गाइस मुझे तो अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए घर, और मैंने इस वीडियो की एंडिंग नहीं ली थी तो चलिए इस वीडियो की मैं एंडिंग लेती हूँ। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को सब्सक्राइब नहीं करें क्यों? तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बोलो बोलो गाइस सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस दिल्ली के जो हमारे ब्लॉग्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप पूरा देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले गाइस, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।